नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों को। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आयुष्मान मित्र का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आयुष्मान मित्र में आपको क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, आयुष्मान भारत में क्या क्या आयुष्मान मित्र बनने के लिए क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, सैलरी इसमें मिलती है या नहीं, ये सभी टॉपिक पर आज हम क्लियर करने वाले हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको आयुष्मान मित्र बनना है तो क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके लिए अगर आपको बनना है तो हमें जरूर कमेंट करिए कि हमें आयुष्मान मित्र बनना है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताइए, क्योंकि मैं भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी से एक बार पूछ लेता हूं। अगर आपको भी आवेदन करना है तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूं ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए। तो चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं कि अभी तक आपने चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आयुष्मान मित्र बनने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा आयुष्मान मित्र। लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी आयुष्मान मित्र। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नोट डाउनलोड इन्फॉर्मेशन लेटर देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में अगर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड लेटर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करिए, हिंदी में करना है तो हिंदी में क्लिक की देते तो हम सीधी सी बात है हिंदी में ही क्लिक देखना चाहें तो हिंदी पर क्लिक कर देते हैं। आप अपने अनुसार इंग्लिश या हिंदी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आयुष्मान मित्र बनने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान मित्र को भारत को आयुष्मान भारत बनाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का लक्ष्य 55 करोड़ भारतीयों तक मुफ्त और कौशलय स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने और देश का कोई भी नागरिक PMJAY से जुड़कर आयुष्मान मित्र बन सकते हैं। आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है, इस पहल से आप भी जुड़े और योजना का लाभ पहुंचने में मदद करें। कैसे दे सकते हैं रोजगार योगदान, जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी देने, पात्रता जानने में उनकी सहायता करें, आयुष्मान कार्ड बनाने में उनकी मदद करें, मुफ्त इलाज दिलवाने में लाभार्थी की सहायता करें। ठीक है, यहां जांचे लाभार्थी की पात्रता, अपने गांव शहर के आयुष्मान लाभार्थी की सूची डाउनलोड करने के लिए यहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं, आपकी एक आईडी पासवर्ड दी जाएगी अगर आप आयुष्मान मित्र बनते हैं तो। टोल फ्री नंबर 45555 पर कॉल करें या फिर अपने नजदीकी CHC पर केंद्र पर जाएं, योजना में सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पताल में जाएं या मेरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य .gov.in पर जाएं। आयुष्मान मित्र की शॉर्ट फिल्म देखने के लिए नीचे दिए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। नोट, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि आपको इसमें मानदेय मिलेगा या नहीं, तो इसमें आपको एक नोट देखने को मिल रहा होगा कि आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है, इसके लिए किसी भी तरह का मानदेय नहीं दिया जाता, पर मैंने जो सुना है इसमें आपको कमीशन कुछ मिलती है। तो कमीशन की भी बात हम जब करेंगे, जब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम इसका एक नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर टाइप है, आप इसमें अगर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। QR कोड स्कैन कर आप देख सकते हैं शॉर्ट फिल्म। अब बात करते हैं आयुष्मान मित्र बनने की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्रधानमंत्री PMJAY.gov.in आयुष्मान मित्र पर लॉगिन करें और आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर सत्यापित के लिए प्राप्त OTP दर्ज करें, EKYC के लिए आधार प्राधिकरण के लिए OTP दर्ज करें। अपने सफलतापूर्वक आयुष्मान मित्र ID जनरेट कर लिया है। अब आप आयुष्मान मित्र ID का उपयोग कर वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए यूजर ID के रूप में कर सकते हैं और कभी भी डैशबोर्ड पर पहुंच सकते हैं। मतलब आपको ID पासवर्ड दे दी जाएगी जिसकी सहायता से आप जो जिसकी भी मदद करेंगे उसकी डिटेल पूरी आपके ID पर दी शो होने लगेगी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आयुष्मान मित्र बनना है, मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल है, केंद्र सरकार की जो पहल है, वो मध्य प्रदेश में अगर आपको आयुष्मान मित्र बनना है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर पूरे बेनिफिट्स बता वो PDF आपको बताई तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोलोगे कि इतना बड़ा वीडियो कैसे देखेंगे। अब आप पूरा वीडियो भी नहीं देखेंगे और स्किप करके देखेंगे जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको आयुष्मान मित्र बनना है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी के सपोर्ट जरूर मिलेगा और बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आयुष्मान मित्र बनना है, तो उस वीडियो पर हम नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आएंगे। अगर आपकी
इच्छा हुई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।